नमस्कार दोस्तों, फोन फिक्स पुणे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मेरे पास एक रेडमी नोट 10 प्रो मोबाइल आया है। तो आपका इसको पहले मैं मॉडल नंबर यहां से दिखाता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर मॉडल नंबर, देख सकते हैं रेडमी नोट 10 प्रो इसका मॉडल नंबर है। तो अभी इसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम है कि इसका फ्रंट कैमरा यहाँ से वर्क नहीं होता। आप देख सकते हैं आगे वाला कैमरा वर्क कर रहा है, इसका ये वाला कैमरा, ये वाला और ये वाला, ये तीनों यहाँ से अंदर जो कैमरे रहते हैं 1, 2, 3, ये तीनों कैमरे यहाँ से वर्क हो रहे। जब हम यहाँ से फ्रंट कैमरा ओपन कर देते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट कैमरा ओपन नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर यही प्रॉब्लम है, कैमरा की प्रॉब्लम है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो हमारा रिंगटोन रहता है, रिंगटोन है, इसकी रिंग बजती नहीं है, इसके अंदर कोई भी साउंड वगैरह बजता नहीं है। जो यूट्यूब लगाते हैं तो यूट्यूब का आवाज़ नहीं आता, कॉलिंग का आवाज़ नहीं आता, किसका भी यहाँ से आवाज़ नहीं आता है। तो इसके अंदर इस तरह से प्रॉब्लम है। तो इस तरह से यहाँ से प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस तरह से करना है, तो इसके अंदर एक CPU है, CPU आपको यहाँ से रिबॉल करना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका CPU, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक IC है क्वालकॉम की, जो CPU है, CPU यहाँ से रिबॉल करना पड़ेगा, तभी ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इसको दूसरे माइक्रोस्कोप में इसको रिबॉलिंग वगैरह करके इसके फिर से बिठाना पड़ेगा, तभी ये हमारा आगे का प्रोसेस, यानी ये कैमरा और रिंगटोन यहाँ से जो आवाज़ नहीं आता वो आवाज़ यहाँ से ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसका काम।
जैसे कि यहाँ पर सीपीयू का प्रॉब्लम था, तो सीपीयू मैंने यहाँ से रिबॉल किया है, तो सीपीयू रिबॉल करते वक्त इस आईसीबी थोड़ा सा मुझे हिट लगा था, तो ये आईसीबी मैंने यहाँ से रिबॉल की है। तो ये सीपीयू रिबॉल करने के बाद देखते हैं कि मोबाइल किस तरह से यहाँ पर कैमरा वगैरह चलता है कि नहीं, वो भी देखेंगे। चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से हमको इसको ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। तब तक मैं इसको कैमरे वगैरह लगा देता हूँ, कैमरे लगाने के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ठीक है, तो फटाफट इसके मैं कैमरा लगा देता हूँ। तो चलिए ठीक है, तो मैं इसको चालू कर देता हूँ। कैमरे वगैरह मैंने यहाँ से लगा दिए, तो चालू करने के बाद देखते हैं कि इसका जो रिंगर का आवाज़ नहीं आ रहा था, और जैसे कि इसके अंदर फ्रंट कैमरा भी काम नहीं कर रहा था, तो देखेंगे इसके अंदर रिंगर और फ्रंट कैमरा यहाँ से और पता है कि नहीं, वो भी चेक कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हमेशा सीपीयू के अंदर ही आता है, क्योंकि सीपीयू ड्राई शॉर्ट होने की वजह से इसके अंदर आवाज़ और कैमरा की रेगुलर ये प्रॉब्लम है। तो आवाज़ और कैमरा दोनों वर्क होते नहीं, कभी कैमरा चलता है कभी चलता नहीं है, तो इस तरह से इसके अंदर प्रॉब्लम आता है। तो चलिए हम इसको फटाफट चेक कर देते हैं कि चेक करने के बाद इसका कैमरा और इसका जो रिंगर और आवाज़ नहीं आ रहा था वो एक बार देखेंगे। तो इसका यूट्यूब का भी आवाज़ नहीं आ रहा था और इसका फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा था, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पहला हम रिंगटोन देखते हैं, यहाँ पर रिंगटोन बजती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़ आ रहा है, यहाँ तो एकदम परफेक्ट काम हो चुका है। तो और एक बार कैमरा का भी चेक कर देते हैं, कैमरा यहाँ से वर्क फ्रैक नहीं, वो देखते हैं। इसके अंदर तो पहले तीनों के अंदर तीनों कैमरे चल रहे थे, ठीक है तो भी चल रहे, लेकिन फ्रंट कैमरा यहाँ से एरर दे रहा था। तो फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट कैमरा एकदम परफेक्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से कैमरा वर्क फ्रैक, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर सीपीयू का प्रॉब्लम था, ये सीपीयू रिबॉल करने के बाद यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो ऐसा वीडियो आपको कैसा लगा, अपना वीडियो आपको ये कैसा लगा, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए कि किस तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया। और छोटा सा जाते जाते लाइक उतना करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।